नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि छह ग्रह अगर एक साथ आ जाएं एक ही भाव में तो उसका परिणाम हम कैसे निकालेंगे। ये जो घटना है आपके निकटवर्ती समय में घटित होने वाली है, यानी कि 26 दिसंबर 2019 को जन्म कुंडली में गोचर में छह ग्रह जो है वो एक साथ आ जाएंगे। कौन कौन से छह ग्रह हैं? सूर्य, बुध, शनि, केतु, चंद्रमा और गुरु। ये छह ग्रह जो हैं वो धनु राशि के अंदर एक साथ विराजमान होंगे और इससे पहले एक ग्रहण भी लगेगा, सूर्य ग्रहण, तो उनमें भी बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हो और इस छह ग्रहों का जो आंकलन होगा कैसे हम जन्म कुंडली में निकालेंगे। बहुत सारे लोग जो है जिनकी कुंडलियों में अगर ऐसे योग बने हुए हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। वो गोचर में ऐसा योग बनता है तो कई सारे लोग जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि अरे क्या करें, कैसे निकालें, कैसे इनको समझे। तो इनको समझना कोई बड़ी चीज नहीं है, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रह जो हैं वो खुद बताते हैं कि ये कैसे इनको फलादेश किया जाए। जब आप अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रहों को देखते हो या गोचर में भी इन ग्रहों को देखते हो कि इनका परिणाम हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले आप देखिए कि हर ग्रह जो है वो किसी न किसी नक्षत्र में होता है। जैसे हमारा जो देश है या हमारा जो राज्य है वहां पे कोई ना कोई शहर जो है वो एक निर्धारित जगह पे है जिसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। उसी प्रकार ये जो भाव है ये 30 डिग्री का भाव है। इस 30 डिग्री के भाव के अंदर ग्रह जो है वो अपनी एक डिग्री लेके बैठा कि भाई ये जो डिग्री में इस ग्रह का जगह है और इस जो भाव है, इस भाव की जो राशि है, इस राशि के अंदर तीन नक्षत्र होते हैं। तो ये धनु राशि है, धनु जो है वो गुरु की राशि है, एक अग्नि तत्व राशि है। तो अग्नि तत्व राशि में हमेशा ही, यानी कि 1, 5 और 9 ये जो अग्नि तत्व राशियां होती है इनमें हमेशा ही केतु के, सूर्य के और शुक्र के ये नक्षत्र चलते हैं। तो यहाँ पे जो तीन नक्षत्र होंगे, सबसे पहला मूला नक्षत्र होगा, उसके बाद होगा आपका पूर्व साढ़ा नक्षत्र होगा जो आपका होगा शुक्र देवता का, उसके बाद होगा आपका उत्तरासाढ़ा। उत्तरासाढ़ा जो नक्षत्र है वो आपका सूर्य देवता का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीन नक्षत्र होते हैं। तो जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा वो उसके संबंधित परिणाम देगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि धनु राशि के अंदर सबसे पहले आता है मूला नक्षत्र जिसका मालिक है केतु। तो मूला नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह है? तो मूला नक्षत्र में बुध है, सूर्य है, गुरु है और चंद्रमा है। तो चार ग्रह जो है वो मूला नक्षत्र में आ गए। उसके बाद जो है वो पूर्व साढ़ा नक्षत्र जो है वो आपका है शुक्र देवता का। तो इसके नक्षत्र में शनि और केतु है। तो हम कह सकते हैं कि अब इन छह ग्रहों में से हमने दो डिवाइडेशन कर लिए हैं, जिनमें एक तरफ चार ग्रह आ गए और एक तरफ जो है वो दो ग्रह आ गए। इनमें अगर हम देखते हैं तो इन चारों ग्रहों में सूर्य, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों जो देवता ग्रह और बुध जो है ये भी नैसर्गिक शुभ ग्रह। तो ये चारों के चारों अच्छे ग्रह हैं और ये आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव का उत्थान करेंगे और लाभ करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में ये गुरु गोचर कर रहा है या सूर्य गोचर कर रहा है, बुध चंद्रमा ये गोचर कर रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा का स्वामी यहाँ पे बैठा है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा जो है वो महादशा का स्वामी है, आपकी जन्म कुंडली में जो भी महादशा का स्वामी है वो आपके अगर उस भाव में बैठा है जिस भाव के ऊपर, यानी कि वो मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठा है या फिर मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन राशि में बैठा है तो इन चारों जो ग्रह इनकी सातवीं दृष्टि जो है वो मिथुन राशि के ऊपर आएगी। तो आप ये माने कि आपकी दशा स्वामी से संबंध बनेगा। तो उस दिन या जितने दिन ये चारों ग्रह एक साथ रहेंगे उतने दिन आपको जो है इन चारों ग्रहों से संबंधित लाभ होगा। जैसे बुध क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बुध जो है आपकी चातुर्यता को दिखाता है, तो आपकी चातुर्यता भी तेज होगी और आपको नए नए अवसर होंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें करने की इच्छा होगी। आप जो है वो अचानक ऐसे फील करोगे भाई मैं जवान हो गया हूँ, मैं नई नई चीजों का शौक रखने लगेंगे, इस तरह के विचार। सूर्य जो है वो पिता का कारक है, सूर्य जो है वो आत्मा कारक है, तो आपकी आत्मा के अंदर ऐसे अच्छे विचार आएंगे कि भाई मैं ये कार्य करूं, मैं ये धार्मिक जगहों पे जाऊं, ऐसा लाभ लूं जिससे कि मेरा जो है वो आत्मा अच्छी हो, यानी कि धार्मिक कार्य करूं, मैं किसी को भी गलत परेशान न करूं। तो इस तरह से अच्छे विचार आने लगेंगे और ये जो युतियां जो है ना वो इस तरह से ही परिणाम देते हैं और वो अपनी महादशा अंतरदशा से जुड़ती है और एक ही नक्षत्र में होता है, तो दोनों साथ में मिलकर परिणाम देते हैं। अब ये दोनों अगर शनि और केतु दोनों एक ही नक्षत्र में है तो दोनों परिणाम देंगे। अब अगर सामने वाला ग्रह इस दोनों की डिग्री के करीब है, यानी कि दोनों के साथ में, जैसे ये 26 डिग्री का है, तो अगर सामने वाला जैसे राहु है 14 डिग्री का, तो हम ये कह सकते हैं कि शनि और केतु दोनों की जो युति की जो दृष्टि है वो इस राहु पे आएगी, तो वो राहु भी जो है वो इस तरह के परिणाम देगा जैसा शनि और केतु चाहते हैं, जैसा हमारी जन्म कुंडली में शनि और केतु बैठा है। तो ये चीज आप निश्चित तौर पर धारण कर लीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, गोचर का हम जब आकलन करते हैं उसमें हम देखते हैं घटना घटित कब होगी।
देखिए घटना का आंकलन करना, जैसे कई बार लोग कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि भाई तुम्हें अगले साल गाड़ी मिल जाएगी, अगले साल तुम्हारा इस महीने में घर बन जाएगा, अगले साल या फिर आज के 2 साल बाद तुम्हारा जो है ये कार्य बन जाएगा, तुम्हें नौकरी लग जाएगी। तो ये क्या किया उन्होंने, गोचर में एक आंकलन छोड़ दिया, आंकलन कर दिया कि भाई तुम्हारे, अब वो आंकलन क्या है, उस आंकलन तक वो कैसे गए वहां पे दिखाता है गोचर। क्योंकि वो आंकलन इसलिए लगाएंगे कि ये देखेंगे कि भाई मान लीजिए कि ये दशम घर है, दशम घर में 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, शनि जो है यहाँ पे गोचर कर रहा है। अब मान लीजिए शनि जो है वो जनवरी के अंदर जो है वो एंड में चला जाएगा मकर राशि में, तो लाभ हो जाएगा, और ये कर्म जो है उसका मालिक गुरु है, लाभ का मालिक शनि है, 12वें घर का मालिक भी आपका शनि है। तो जैसे ही शनि यहाँ पे गोचर करेगा तो ज्योतिषाचार्य ने आपको कह रखा होगा या फिर आपको ऐसा आंकलन लगा लिया होगा कि भाई तुम्हारा फरवरी के अंदर तुम्हारा विदेश गमन हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो लाभ घर में गोचर करेगा, तो लाभ घर का गोचर करेगा तो 12वें घर को भी एक्टिव करेगा, तो 12वां घर विदेश यात्रा का, तो कह सकता है कि भाई तुम्हारा फरवरी में तुम्हारे को विदेश यात्रा हो गया। तो उसने क्या कि गोचर में आंकलन किया। अब हम जब गोचर करेंगे तो क्या करेंगे कि इन सब ग्रहों का आंकलन करेंगे कि भाई हमें कौन सा टारगेट करना है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में आपने देखा कि भाई सूर्य मेरे को जो है वो 6ठे घर का मालिक है, मेरे को नौकरी दिलाने का योग बना था और कर्म भाव में आया है, तो कर्म भाव में सूर्य आया है, अब ये 6ठे घर का मालिक है, नौकरी दे सकता है, तो हमें कौन से जो ग्रह है वो भी लाभ दे सकते। जैसे सूर्य है, अब शनि है, दोनों जो है वो इस भाव में बैठे हैं। सूर्य धीरे 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 डिग्री बढ़ाएगा और जैसे जैसे डिग्री बढ़ाएगा तो क्या करेगा, इस शनि से संबंध बनाएगा, और जैसे शनि से संबंध बनेगा तो शनि क्या है, लाभ घर का मालिक है, तो लाभ घर का मालिक है तो लाभ घर को परिणाम देगा। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब शनि 6ठे और 11वें दोनों घरों को एक्टिवेट करेंगे, जिस दिन दोनों घरों को, यानी 6ठा घर क्या है, कंपटीशन क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, नौकरी के लिए जो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको लाभ देना है, उसको क्लियर करना है, तो शनि और सूर्य दोनों जुड़ेंगे, जुड़ते ही हमें लाभ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि घटनाक्रम को हम कैसे आंकलन करेंगे वो गोचर में देखेंगे, कि हमने ये देखा कि भाई हमें प्रॉपर्टी का योग चाहिए, हमें जो है वो शादी का योग चाहिए, तो आप ये मानिए कि भाई शादी का योग देखना है, तो आपको शादी कौन कौन से ग्रह करा रहे हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि भाई सप्तमेश हमारा शादी का ग्रह होता है, वो भी हमारी शादी कराता है, हमारा जो है वो सेकंड हाउस यानी कि जो परिवार की वृद्धि है वो भी शादी कराता है, साथ में लाभ घर भी शादी कराता है। अब ये तीनों ग्रह जो है अलग अलग ग्रह, जैसे इसमें मंगल हो गया, इसमें हो गया आपका ये जो बुध है और इसका मालिक शनि है, अब ये तीनों एक ही साथ हो गए और गोचर में मान लीजिए ये दोनों तीनों एक साथ है, और फिर इनके ऊपर भी इस तरह के 4 ग्रह आ गए हैं, यानी कि इस कुंडली में अगर देखते हैं तो 4 ग्रह जो है वो सेम नक्षत्र में है, इनके ऊपर 4 ग्रह आ गए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपकी जो ये गोचर हुआ है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके ऊपर इन 4 ग्रहों की जो युतियां या दृष्टियां जो आई है, स्वराशि का राशि संबंध जो बना है उससे आपकी घटना जो है अब इस समय पे घटित हो जाएगी। इसको सीधे तौर पे यही कह सकते हो, समझ सकते हो कि तीनों के चारों ग्रह जो है, यानी ये 3 ग्रह और ये 1-4 ग्रह, ये दृष्टि से और डिग्री से करीब है। जैसे डिग्री से इसलिए करीब है क्योंकि जो इनकी डिग्रियां हैं, जैसे बुध को अगर हम छोड़ देते हैं, सूर्य 10 डिग्री का, गुरु 11 डिग्री का और चंद्रमा 11 डिग्री का, तीनों जो है विदिन 1 डिग्री 2 डिग्री के अंदर है, तो तीनों के तीनों एक साथ परिणाम देंगे और इनकी दृष्टि जो है 7वें दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में आएगी। ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई नई प्रॉपर्टी आए या आपकी प्रॉपर्टी में कोई रिनोवेशन कराया जाए या फिर आपको नया कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या घर या ऐसा कोई भी तरह का जायदाद से संबंधित लाभ हो सकता है या फिर कोई कार या कोई ऐसी और भी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है। इसमें क्या है कि शनि जो है वो घर का कारक होता है और यानी कंस्ट्रक्शन का, और मंगल जो है वो भूमि का कारक होता है और शुक्र जो है वो वाहन का कारक होता है, तो अगर इनसे जुड़ी हुई दशाएं अंदर दशाएं चलती है, जैसे हमारी शुक्र की प्रत्यंतर है यानी शुक्र का अंतर दशा है, तो इस तरह का योग बनता है तो हमें कार मिल सकती है। शुक्र के साथ राहु चल रहा है तो हमें सेकंड हैंड कार मिल सकती है, शनि चल रहा है तो हम अपना नया घर बना सकते हैं, घर में रिनोवेशन करा सकते हैं, और मंगल चल रहा है तो नई भूमि ले सकते हैं, चाहे वो खेती के लिए हो या फिर प्लॉट ले सकते हैं जिसमें हम बाद में कभी घर बनाएं, तो इस तरह का कैलकुलेशन यहाँ पे नजर आता है। अभी ना हमने जो वीडियो शुरू किया था तो हमने 6 ग्रहों की कैलकुलेशन के बारे में बात की, तो देखो इन 6 ग्रहों का जो कैलकुलेशन वो इसी तरीके से होगा कि आपको यहाँ पे नक्षत्रों से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो नक्षत्रों से हमने डिवाइड किया तो इसमें 2 भाग हो गए थे, तो उस हिसाब से हम इनको आंकलन करेंगे कि जो ग्रह जिस ग्रह से या जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उससे संबंधित जो डिग्री आएगी, जैसे शनि की जो दृष्टियां हैं वो जा रही है आपके 12वें घर पे, चतुर्थ भाव पे और सप्तम भाव पे, अब जो ग्रह इसमें बैठे होंगे उनके ऊपर दृष्टि आएगी, साथ में इन ग्रहों की भी
जो है डिग्री होती है, यानी इन भावों की भी डिग्री होती है। इन भावों की जो डिग्री है वो आपको जो है आपके कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें उसमें जो भाव चलित बनेगा उसके अंदर आपको ये डिग्री मिल जाएगी। तो उससे आप देख सकते हो कि भाई इस भाव को भी एक्टिव करेगा या नहीं करेगा। जैसे शनि की दृष्टि 12वें घर पे पड़ी, तो 12वें घर में कोई ग्रह तो नहीं है लेकिन इस घर पे दृष्टि पड़ी है। अब ये ग्रह घर कब एक्टिव होगा, वो उस डिग्री के लगभग एक्टिव होगा। जैसे शनि यहाँ पे 26 डिग्री का है, तो ये भाव अगर 24 डिग्री से प्रारंभ है तो इस भाव को एक्टिव कर देगा ये शनि। इस प्रकार आप इसको आकलन कर सकते हो। और 6 ग्रह जो है इससे कोई भी ऐसा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अगर नक्षत्रों से इसका डिवाइडेशन करते हो तो आपको एकदम क्लियर तौर पे पता चल जाएगा कि ये घर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब इन तीनों की ग्रह युति बन रही है। और अभी देखो 26 तारीख को जो युति बन रही है इसमें तो सूर्य, गुरु और चंद्रमा एक ही डिग्री पे है। तो आपके जीवन में ये कह सकते हो तीनों के तीनों राज्य कारक ग्रह, और इस समय पे किया हुआ कार्य आपको सफलता देगा। यानी कि 26 दिसंबर वैसे तो मल मास है, मल महीना है, इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन इस समय पे किया हुआ चाहे वो पूजा पाठ हो, कोई भी यंत्र बनाना हो, मंत्र बनाना हो, उसको जो है उसके लिए पूजा पाठ करनी हो, या फिर दान पुण्य करना हो। दान पुण्य में क्या है कि मल का महीना सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें आप तेल का दान, काले तिलों का दान और कंबल का दान, इस तरह के जो दान करने से हमें बहुत लाभ होता है, और आपको इस तरह के दान करने भी चाहिए। तो ये जो दिन है इसमें आपको किया हुआ जितना भी पाठ्यक्रम है, पूजा है, वो सारा का सारा आपको लाभ देता है। तो आप इस दिन का जरूर लाभ लें और इस दिन भगवान की पूजा करें। और ये जो दिन है इस दिन आप स्पेशली कोई भी रत्न धारण भी कर सकते हैं, जिसमें कि अगर सूर्य, गुरु और चंद्रमा के रत्न है तो बहुत लाभ देंगे, क्योंकि ये एक संयोग बनता है। ऐसा संयोग बहुत ही कम वर्षों में बनता है जिसमें ये इस तरह की युतियां बनती है। और आप अगर इसमें जैसे नवग्रह यंत्र है, नवग्रह मंत्र है, नवग्रह स्त्रोत है, इनको आप जप करते हो 11 बार 21 बार, इनको आप फलित करते हो तो इनके भी बहुत अच्छे लाभ है। तो नवग्रहों के यंत्र भी और मंत्र भी, इन सब चीज़ों को आप फलित करने का एक अच्छा मौका है। वैसे तो इनके लिए आप जो है ग्रहण काल का प्रयोग करें, ग्रहण काल सबसे बेस्ट होता है, इससे भी बेस्ट होता है, लेकिन 26 दिसंबर वाला दिन भी बहुत अच्छा, तो उसका भी आप लाभ लें। इस दिन किया हुआ कार्य आपको लाभ देगा, क्योंकि ये सारे ग्रह जो है एक साथ है, और उनमें से भी 4 जो शुभ ग्रह हैं और उनमें से 3 ग्रह जो है वो विद इन 1 डिग्री पे बैठे हैं। तो आप ये माने कि आपके लिए एक स्वर्णिम समय है, इसका आप प्रयोग जरूर करें। तो ये आज का जो वीडियो था इस तरह का था, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।